अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बहुत शादी के अरसे बाद डाइवोर्स का डिसीजन लिया. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू एंड मैं ये सोच रही थी कि क्या करेज चाहिए होती है कि इतने साल बाद ही आप डिसीजन लें. उम्र भी थोड़ी सी हो चुकी होती है, लोग क्या कहेंगे ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सोसाइटी उस वक्त के. और ये एक जो लाइन है, इतने साल गुजार लिए तो बात भी कर लेती. यू नो ये लाइन बहुत सी औरतों को ये डिसीजन लेने से शायद रोकती है जो चाहती हूँ. नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि सही है या गलत है, हर किसी की अपनी सिचुएशन है और जिसको जो सही लगे वो है. तो क्या स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है ये करने के लिए? देखिए इसका कोई प्लान नहीं होता, कोई रेमेडी भी नहीं होती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता. और मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, अब पीपल आर नॉट ऑलवेज बैड, दे डिफरेंट. जो दो डिफरेंट लोग एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आई ये तो बड़े मज़े की है, आई लाइक इतना सोबर सा है, कितना ग्रेसफुल है, बाद में वो बोरिंग लगता है और वो छिछोरी लगती है. ये चेंजेस आते हैं लाइफ में. खैर 36 ईयर्स की शादी, लेकिन ये नहीं हुआ कि ये एक दफ़ा ही कुछ 36 ईयर्स माशाल्लाह एक दफ़ा में कोई अचानक से धमाका हुआ. चीज़ें बीच बीच में तंग करती हैं, किसी को भी कर सकती हैं, दोनों को करती होंगी. मसले मसाइल होते हैं, फिर आप चल पड़ते हैं, फिर बच्चे छोटे होते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा, फिर नाम बनता है, फिर इमेज होता है. हालांकि हमारी फैमिली में कोई ऐसा इशू नहीं था. आगे भी कहीं मैंने ऐसे कोट किया, किसी ने लिखा मेरे अब्बा की वजह से मैंने तलाक दी, ये इतनी घटिया लफ्ज़ मुझे इतने बुरे लगते हैं ना, लोगों की बात को मरोड़ के जब बयान किया जाता है. एक छोटी सी कहानी ये है कि मेरे फादर जो हैं बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और बड़े नॉलेजेबल आदमी थे, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम. वो बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने फिल्म पढ़ी थी हॉलीवुड से, आके फिल्म बनाई थी, तो वो एक विजन था उनका. तो जब मेरी सबसे बड़ी बहन नीलम की शादी होने लगी, जो राइटर हैं अभी मेरी बहन नीलम अहमद बशीर, तो उन्होंने लड़के वाले आए, रिश्ता लेने आते, उनकी अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने कहा जी हक मेहर वगैरह जैसे लोग करते थे उस ज़माने में. तो मेरे फादर का हक मेहर आपका जो दिल चाहे, चाहे 32 रुपये लिखें, चाहे 50 रुपये लिखें, आपकी मर्जी है, मगर My daughter should have right of divorce. उस टाइम पे उन्होंने कहा. ठीक है, अब तकरीबन 49 ईयर्स हो गए. मेरा अभी लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, तो ये तो उस वक्त बड़ी बात थी. हमें मैं तो खैर 8 में पढ़ती थी, मुझे तो इन बातों का पता भी नहीं था. तो वो लड़के वाले भी शायद नाइव थे, उन्हें पता ही नहीं था, सिंपल से लोग थे. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. लेकिन ये वो शिक है, ये शिक निकाहनामे में होती है. और ये नहीं होती कि कोई किसी लड़की किसी को तलाक दे दे, खुदा ना खासा मैं कोई रिलीजियस वो तो स्कॉलर तो नहीं हो ना. वो उसमें होता है कि लड़के वालों की कंसेंट से ये हक के तलाक तफवीज़ किया गया. ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, सही है, और लिखा है उसमें ग्रांटेड फ्रॉम द बॉय. अगर वो नहीं ग्रांट करेगा तो उसकी मर्जी है. उनको शायद समझ ही नहीं आई या पता ही नहीं था, जो भी था, या शायद उन्होंने इस पर कोई रिजिस्ट नहीं किया, तो वो वहाँ लिखा गया हक के तलाक तफवीज़ किया गया. ये बात उस वक्त पहले तो अच्छा, जब मौलवी साहब आए तो वो तो खड़े हो गए, ये क्या बात हुई. तो मेरे वालिद ने कहा बैठिए, ये सूर्य निसा में चीज़ें, मेरे फादर हर चीज़ पढ़े लिखे थे. तो खैर ये उस वक्त हो गया. उसकी भी कोई बैकग्राउंड है, मेरी एक फूफी थी, उनके ससुराल वाले उनको 4 बच्चों समेत निकाल के बाहर खड़ा कर देते थे बारिश में धूप में, फिर वो डिवोर्स भी नहीं करते थे, फिर मेरे दादी दादा माफ़ी मांग के उनको छोड़ने जाते थे. मेरे बचपन की कहानी है. मेरे वालिद को ये था कि ये जिल्लत मैं अपनी बेटियों को नहीं होने दूंगा. अगर मेरी बेटी कहीं खुश नहीं है और वो चाहती है, तो शी शुड नॉट बी द वन हु इज़ बीन डिवोर्स्ड बाय समबडी. इसमें स्टेटस का फ़र्क आ जाता है ना. सही बात है. कि ये नहीं कि इसको तलाक दे दी. अरे भाई उसने आपकी दी हुई इजाज़त से आपको तलाक दे भिजवाई, और अगर आपने रिकनसाइल नहीं किया तो 3 महीने में वो अफेक्टिव हो जाती है. ये लड़कियाँ थोड़ी कहती है तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे दी, ये थोड़ी होता है. चीज़ों को समझना चाहिए. मैं उनसे कह रही हूँ जो इन बातों को जहलाना तरीके से लगा देते हैं यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कहाँ पर. तो ये चीज़ें फिर उसके बाद सब बेटियों के लिए थी, फिर हमारी सबकी बेटियों की, हमारी बेटियों ने भी ये किया. अच्छा उससे पहले तो सारी बात ये कि ये एक इशू ऐसा जिस पे किसी की मर्जी है, वो चाहे किसी की मर्जी है ना चाहे, अपनी बेटी को नहीं कराना चाहते अपना कराएं. और मैं कहती हूँ अगर इसकी ये रखा गया है, ये खुद से तो नहीं किया गया ना, ये बेसिक है, तो लोग काट देते थे निकाला तो ये एग्जिस्ट करती है ना, ये दीन में आपकी तरफ से डाली गई है, तो तभी है ना. हमें तो पता ही नहीं था कि, तो फिर बाद में देखा. तो मैं ये कहती हूँ कि एक दिन पहले अपने बच्चियों को निकाहनामा भिजवाएं और उनसे पूछें. अब तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लड़कों से बात करना चाहती हूँ. मैं कहती हूँ कि लड़कों को चाहिए कि वो कहें अपनी अपने ख़ानदान को, एक तो जहेज का कोई नाम ना ले, ये बदतमीज़ी है. एक छोटा सा कस्टम था
जैसे हमारे नबी पाक ने अपनी बेटी को एक कस्टम के तौर पे, एक तोहफ़ा के तौर पे जो उनके पास था उन्होंने दिया था। लेकिन आप अपनी इतनी प्यारी कीमती चीज़, सबसे बड़ी कीमती चीज़ अपनी बेटी दे रहे हैं, पाल पोस के, पढ़ा लिखा के, एक औरत आपकी जनरेशन चलाएगी, आपके घर में आके आपका घर सजाए, आप उसके साथ सामान ले रहे हैं, यार कितनी शैलो बात है। ऊपर से आप डिमांड कर रहे हैं, अच्छा चलो जी मेरा दिल चाह रहा था, मैंने अपनी बेटी को गाड़ी दे दी थी, ठीक है एक बात करें, लेकिन लड़कों को खड़े होना चाहिए, मैं उनके माँ बाप को भी नहीं कहती, उनको थोड़ा सा अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, और वो बड़े बाइज्जत लगेंगे, सारी ज़िंदगी उनकी बीवी और उनकी ससुराल उनकी इज्जत करेगी। अपने बलबूते पे क्यों नहीं करते आप लोग? सही बात है कि आप कहें कि जी ये चीज़ें हमारे घर में नहीं होंगी, और ये हमारे पेरेंट्स ने की। मेरा एक ही भाई है, अमेरिका में होता है, और वो आया था तो उसका लाहौर में रिश्ता हुआ, वो लोग को ऐसे गरीब नहीं थे, मतलब मुनासिब जैसे मिडिल क्लास हमारी तरह के लोग थे, उन्होंने कहा जी जहेज़, उसने कहा जी मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, और मेरी अम्मी ने कहा बात सुनी, मेरी चारों बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं, हमारा घर सामान से भरा हुआ है, ना हमें इसके कंबल चाहिए, ना हमें इसके बर्तन चाहिए, तो चली जाएगी, लॉजिक है ना, तो हम क्यों इसका सामान लेके बैठे हैं? आप डिनर सेट देंगे तो हम तो यहाँ, ये तो पड़ा रहेगा इधर ही। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने जैसे कहते नहीं, हम तो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप अपनी बेटी को दें तो उसको कोई, आपने जो झुमके देने वो दे दें, जो वो इस्तेमाल करे, जो उसकी मर्ज़ी है, उसको आप 50,000 रुपये दे दें, हमें क्या पता, ये आप सामान और ये ट्रक और ये चीज़ें हमारे घर ना भेजें, हमारे पास जगह ही नहीं है और हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो अमेरिका जा रही है। अव्वल तो अपने घर में भी हो तो आप क्यों दें, आपका बेटा कमाता हो तो आप अपनी किसी बहू को लाए ना। तो हमारे घर में तो मेरी अम्मी ने क्या किया, सिर्फ निकाह हुआ क्योंकि मेरे भाई ने फटाफट कागज़ बनवाने थे और वो उस ज़माने में 400 रुपये भी निकाह हुआ, मुझे भी बल्कि मैं जाने का मौका नहीं मिला, मैंने कहा अल्लाह है हमारा एक ही भाई था, मुझे बुलाया ही नहीं, तो वो कहने लगे बस खड़े खड़े निकाह था तो तुम वलीमे में आ जाना, तो मैं तो गई ही नहीं क्योंकि वलीमा ही नहीं हुआ, फिर वो तो चली गई। तो फिर मेरी अम्मी का रेडियो पर उस ज़माने में इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा बेगम बशीर आपने ये मिसाल कायम की है, तो ये चीज़ें लड़कों को करनी होंगी, लड़कों को भी अपने घर वालों को, फैमिलीज़ को समझाना होगा, और अपनी बहनों और अपनी बीवियों, अपनी कज़न्स के ये जो राइट ऑफ डाइवोर्स है मे बी, और हाँ, इस तरह की निकाह में के में जो निकाहनामे में चीज़ें उनको पढ़ाएं। आपको क्यों लगता है, क्यों इंपॉर्टेंट है लड़कियों का निकाहनामा खुद से पढ़ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता लड़कियाँ पढ़ती हैं, आपने पढ़ा था? नहीं, हमें तो कह रही तमीज़ ही नहीं थी वैसे, लेकिन था मेरे पास राइट टू डिवोर्स था, क्योंकि नहीं, लेकिन निकाहनामा पढ़ा था? नहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन बात कर ली थी उनसे। आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया था? हाँ हाँ पढ़ाया, नरीमान ने पढ़ा, मुलापा की बेटी उन्होंने पढ़ा, तो बच्चियाँ जाहिर है आप इस ज़माने की हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि अगर वो नहीं चाहती तो ना सही, सही, लेकिन अगर ये शिक है, अगर आपको ये राइट दिया गया है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो आपने पूछा कि इतने सालों बाद, तो डर खौफ तो ये तो अपनी जगह था, मैं समझती हूँ कि कोई लड़कियाँ भी नहीं चाहती कि उनका घर डिस्टर्ब हो। सही बात है, दिल तो नहीं चाहता ना, इतना प्यारा सा आपने घर बनाया होता है, अपने बर्तन सजाए होते हैं, अपने बेड सजाए होते हैं घर में, मुझे तो बड़ा शौक है टावल शावल ये वो फलाना, और अपने मियाँ के लिए खाना पकाना सीखा, कुछ भी नहीं आता था। सही बात है, और वो बहुत प्रॉपर खाना खाना चाहते थे, उन्होंने बाद में मुझे मतलब सुनाई भी अच्छी तरह, क्या मतलब कुछ भी नहीं आता, मैंने कहा मैंने तो कहा था आपने सब कह दी, मैं तो समझा ऐसे कह रही मैं दाल नहीं पकानी आती, नहीं आती थी। खैर वो सब सीखी कि मैं, गर्ल्स ऑलवेज वॉन्ट टू प्लीज देयर हस्बैंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है।